तो आज हम बात करने वाले हैं क्रिएटिव कॉमन और स्टैंडर्ड लाइसेंस की। जी हाँ दोस्तों, यूट्यूब पर बहुत सारा इसके बारे में बताया गया है, लेकिन फिर भी आपको पूरी जानकारी इसके बारे में नहीं है। आज के वीडियोस में आपको क्रिएटिव कॉमन्स और स्टैंडर्ड लाइसेंस क्या है, ये दोनों और कैसे यूज कर सकते हैं हम किसी के वीडियोस जो क्रिएटिव कॉमन्स वाले हैं, पहले इसे बारीकी से समझिएगा, फिर जाकर आप इसे अच्छे से यूज कर सकते हैं। और क्रिएटिव कॉमन्स की वीडियो से आप अपने चैनल्स को मोनेटाइज भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी, लेकिन इसके लिए आपको पूरा मेथड पता होना चाहिए। दोस्तों क्रिएटिव कॉमन और स्टैंडर्ड लाइसेंस जब आता है, जब हम वीडियोस को अपलोड करते हैं और उसके बाद दोस्तों वाईटी स्टूडियो में जाकर हम चेक करते हैं क्रिएटिव कॉमन और स्टैंडर्ड लाइसेंस। पहले हम बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड लाइसेंस क्या होता है। दोस्तों स्टैंडर्ड लाइसेंस डिफॉल्ट सेट हो जाता है जब आप वीडियोस को अपलोड करते हो। तो स्टैंडर्ड लाइसेंस में यह है कि आप किसी भी क्रिएटर को, पूरे यूट्यूब की कम्युनिटी को ये अलाउ नहीं करते कि आप वीडियोस आपका यूज करें। तो ये स्टैंडर्ड लाइसेंस में, अगर ऐसे में आपकी कोई वीडियोस यूज कर लेता है जिसपे आप स्टैंडर्ड लाइसेंस दे कर रखते हैं, तो उसे उस वीडियोस का पता लगा सकते हैं। आपके चैनल्स में सी में आएगा कि उसने आपका पूरा का पूरा वीडियोस डाल दिया है, आप डायरेक्ट वहां से उसे कॉपीराइट दे सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं क्रिएटिव कॉमन्स की वीडियोस। क्रिएटिव कॉमन्स के क्या रूल्स हैं और कैसे इसे यूज किया जाता है एक क्रिएटर के हिसाब से, फिर अगर उसे क्रिएटिव कॉमन की वीडियो को यूज करना है तो वो कैसे यूज किया जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों क्रिएटिव कॉमन्स आपको देखना होगा कि क्रिएटिव कॉमन्स की है। इसके लिए दोस्तों आप जो सर्च करेंगे यहाँ पर यूट्यूब पर, सर्च करने के बाद यहाँ पर क्रिएटिव कॉमन्स वीडियोस सेट कर देना है और आपके सामने जो भी वीडियोस आएगी वो क्रिएटिव कॉमन्स वाली वीडियोस है। अब दोस्तों यहाँ पर सीखने वाली बात यह है कि क्रिएटिव कॉमन्स का वैसे हर कोई डाल देता है, जैसे कि मैंने वीडियोस उठाया और मुझे पता ही नहीं मैंने वीडियोस कहाँ से उठाया और मैं उस पर क्रिएटिव कॉमन्स की वीडियोस लगा रख कर सेट करके ये मानता हूँ कि ये वीडियोस मेरा है। लेकिन क्रिएटिव कॉमन का वीडियो सेलेक्ट करने का हक सिर्फ उसी को होता है जिसकी पहले वो ओरिजिनल वीडियोस होती है। और यूट्यूब पर आपको बहुत सारे ऐसे फेक कॉमन्स की वीडियोस मिलेगी जो यूज किया हुआ है, लेकिन वहां से हम वीडियोस को उठा सकते हैं। लेकिन दोस्तों क्या होता है, इसमें असली रूल ये है कि जो क्रिएटर है वो वीडियोस अपलोड कर रहा है और वो क्रिएटिव कॉमन्स की वीडियोस को सिलेक्ट कर देता है, तो उसका मतलब है कि उसे पता है कि वीडियोस यूज हो और वो चाहता है कि मेरी वीडियोस यूज हो, दोबारे से कोई उसे अपलोड कर सकता है। लेकिन दोस्तों यूट्यूब का ये रूल्स है कि अगर आपको उस बंदे ने परमिशन भी दे रखा है क्रिएटिव कॉमन्स करके सिलेक्ट कि वीडियोस को यूज करो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सेम टू सेम आप उस वीडियोस को अपलोड कर दोगे। अगर आपको उन वीडियोस को मोनेटाइज करना है तो क्रिएटिव कॉमन्स की वीडियोस को आपको एडिट करना होगा, खुद से उसका वॉइस ले सकते हैं तो आप उसको यूज कर सकते हैं दोबारा, उसके फोटोज ले सकते हैं जो भी क्रिएटिव कॉमन्स की वीडियो से, लेकिन आपका खुद उस पर क्रिएटिव होना चाहिए कि वो वीडियोस आप क्यों यूज कर रहे हो तो किस तरीके का। अगर पूरा का पूरा आप वीडियो वैसे का वैसा अपलोड कर दोगे तो दोस्तों वो आपका चैनल रीयूज कॉन्टेंट में नहीं आएगा और आप दोबारा से चैनल को मोनेटाइज नहीं कर पाओगे। इसलिए दोस्तों आपको अगर क्रिएटिव कॉमन्स की वीडियोस मिल रही है वो, और वो ओरिजिनल चैनल से है, मतलब आप वो देख रहे हो जाकर कि उसकी सारी वीडियो है ओरिजिनल और वो क्रिएटिव कॉमन्स की वीडियोस डाल रहा है, तो दोस्तों उसको आप यूज कर सकते हो। ये भी एक मिथ गलत है कि दोस्तों क्रिएटिव कॉमन्स सेलेक्ट है तो आपको कॉपीराइट नहीं मिल सकता। कॉपीराइट का ओनर वही होगा और कॉपीराइट आपको दे सकता है, लेकिन वो देगा नहीं। लेकिन उसके बारे में उसके वीडियोस को गलत यूट्यूब पर यूज किया जाए तो दोस्तों वो क्रिएटिव कॉमन्स के ओनर्स आपको कॉपीराइट दे सकते हैं, लेकिन आप उसके अच्छे वीडियोस, अच्छी भलाई के लिए वीडियोस यूज करेंगे, अच्छा कुछ बोलेंगे तो आपको वो कॉपीराइट तो क्या स्ट्राइक वगैरह कुछ नहीं देगा। इसलिए क्रिएटिव कॉमन्स का मतलब सीधा सा है कि वो पूरे यूट्यूब कम्युनिटी को ये कहना चाहता है कि आप मेरे वीडियोस यूज कर लीजिए, तो दोस्तों उसमें से आप यूज कर सकते हैं, एडिट मैंने बताया था। तो दोस्तों इस तरीके का क्रिएटिव कॉमन्स का जो है वो फंडा होता है और इस तरीके से इसका पूरा फायदा भी ले सकते हैं और दे सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर क्रिएटिव कॉमन यूज करने से क्या बेनिफिट मिलता है। क्रिएटिव कॉमन्स अगर आप अपने वीडियोस को यूज करोगे तो आप ये मानते, आप ये लगाओ कि आप इजाजत देते हो सभी को कि वीडियोस यूज कर लो, और जब भी वो क्रिएटिव कॉमन सर्च में करके सर्च करेगा तो वहाँ कम वीडियोस ही होती है। इससे क्या होता है कि आपकी वीडियोस क्रिएटिव कॉमन की वीडियोस है तो उसके हर लोगों को दिखेगी जाकर, अगर कुछ लोग ऐसे सिलेक्ट सर्च करते हैं क्रिएटिव कॉमन्स की तो वहाँ पे आपकी वीडियोस चलने का ज़्यादा चांस होता है। इसलिए नए चैनल्स वाले कभी कभी क्रिएटिव कॉमन्स की वीडियोस को अपने खुद को इजाज़त देते हैं क्रिएटिव कॉमन्स की वीडियो, जिससे उनकी यूज कर सके वीडियोस। दोस्तों वीडियो से अच्छा लगा तो लाइक करके शेयर करें, कमेंट जरूर करें।